नमस्कार राधे राधे, मेरा नाम है शुभम तिवारी और एग्री टॉपर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे थे जब अरुण का 10 सेकेंड वैल्यू मैंने जहाँ छोड़ी थी वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा रिकैप के साथ में। तो बेसिकली डोमिनेंस एंड जीन इंट्रैक्शन वाले चैप्टर तक हम लोग पिछली क्लास में पहुँच गए थे, तो अब हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या आपको एक बेसिक इन्फो दिया था बीओ के एग्जाम से पहले, जिससे जो है क्वेश्चंस भी आपको मिल गए थे सीधे सीधे। मैंने आपको बेसिकली बताया था जीन इंट्रैक्शन के विषय में। मैं बुक से बाहर निकल के बात करता हूँ, आप लोग जानते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जो है एंगल आप देखें, ये वाला मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जीन इंट्रैक्शन जो होता है, ठीक है, जीन इंट्रैक्शन ये बेसिकली जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट मैंने कहा था एलीलिक जीन इंट्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? एलेलिक जीन इंट्रैक्शन हो सकता है। सेकंड मैंने कहा था नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन हो सकता है, नॉन एलेलिक, ठीक है, जीन इंट्रैक्शन में जी आई लिख देता हूं, समझ जाना। एलेलिक जीन इंट्रैक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन, क्या अंतर है दोनों में? बेसिकली आप एलेलिक जीन इंट्रैक्शन देखोगे तो ये हमारा क्या है, मान लो एक ये हमारा जो है जीन है जिसपे ये कैपिटल ए एंड ये कैपिटल बी, ये जीन है, ठीक है, अच्छा, या ऐसे कह लो कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा दूसरा एलील है, यहाँ पर है स्मॉल ए, एक सेकेंड, दिस इज कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज कैपिटल बी स्मॉल बी। जब हम सेम लोकस के जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारा ये देखो कुल मिला के मैं शब्दों में समझाऊंगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एलीलिक का मतलब है सेम लोकस पर, सेम लोकस पर दो जीन्स के बीच इंट्रैक्शन, दो जीन्स के बीच जो है अंतःक्रिया हो, इंटरेक्शन हो। यहां पर क्या है, डिफरेंट लोकस पर, यानी अलग अलग दो डिफरेंट लोकस हैं अगर जीन्स के बीच में इंट्रैक्शन हो, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन एलीलिक। बेसिकली ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं बताऊं एलीलिक जीन के एलीलिक इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल्स, एलीलिक जीन इंट्रैक्शन जी आई मैं लिख दूंगा, आप समझ जाना, ठीक है, एलीलिक जीन इंट्रैक्शन। तो मैंने इसके लिए सिंपल सा एक फार्मूला आपको बताया था कि आपको क्या याद कर लेना है, इनको ना पेन पतला क्यों हो गया, इसको भी खाना नहीं मिला लग रहा है, चलो। तो बेसिकली मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, इनको मंकी ले दो, मैंने क्या बताया था, इनको मंकी ले दो, ये एलीलिक जीन इंट्रैक्शन है। एलीलिक जीन इंट्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना, एलीलिक जीन इंट्रैक्शन जो होता है ये किस प्रकार का होता है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है। क्या होता है? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का मतलब क्या है, यहां पर सिर्फ एक कैरेक्टर जो है एक साथ लेके चला जाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर जो है एक साथ यूटिलाइज किया जाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर, यानी ये हमारा कैसा बनेगा, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ऐसे कह दो मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ज्यादा सही रहेगा, मोनो हाइब्रिड ज्यादा सही रहेगा, मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, बेसिकली एक, जैसे हमने लंबाई का एक कैरेक्टर लिया तो लंबाई का ही एक कैरेक्टर लेके चलेंगे। अब इसमें तो बेसिकली कितने क्रोमोसोम बन रहे होंगे, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं, मान लो कैपिटल टी था, स्मॉल टी था, ये मोनो हाइब्रिड का क्रॉस है, इसमें पहली जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, फिर हम लोग जब अगली जनरेशन में F2 में जाते थे क्या बनता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये चार बनते थे, यानी एक दो एक का क्रॉस बनता था। कितने प्रकार के गैमिट बने, चार प्रकार के गैमिट बने थे, यानी बेसिकली आप यहां पर देखोगे जब हम एलीलिक इंट्रैक्शन की बात करेंगे मोनोहाइब्रिड में, तो बेसिकली कितने जीन बनेंगे, चार जो है यहां पर जीन नजर आएंगे आपको। अच्छा, चार जीन्स की अगर बात किया जाए तो मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, इनको मंकी ले दो, इन फॉर क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। सेकेंड इज कोडोमिनेंस, सेकेंड इज कोडोमिनेंस हो गया, मंकी हो गया मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील हो गया, ले दो ली फॉर हो गया लीथल जीन, डी फॉर हो गया डोमिनेंस रेसेसिव, क्या हो गया, डोमिनेंस रेसेसिव। अच्छा,
बेसिकली इनका रेशियो आपसे पूछा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो मैंने आपको बताया था क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो होगा 1:1, कोडोमिनेंस का भी होगा 1:1, ठीक है। मल्टीपल एलील में हमारा एग्जाम्पल होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल एलील्स देखने को मिलते हैं। लीथल जीन का आइदर या तो 1:2 हो सकता है या 2:1 हो सकता है, कैसे होता है सब मैं अभी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। डोमिनेंट रिसेसिव का 3:1 होगा, ठीक है, ये मैंने बताया था। अब इन्हीं को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो आपको पढ़ा चुका हूं मैं। नॉन एलिलिक के भी एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे, क्योंकि एग्जांपल से ही क्वेश्चन आना था और आ भी गया था, ठीक है। इनहिबिटरी कॉम्प्लीमेंट्री इसमें से एक क्वेश्चन आ गया था बीओ में, मैंने बता दिया था इसलिए पेपर से पहले कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, बेसिकली डोमिनेंस हमारा क्या है, कह रहे डोमिनेंस इज अ फिनोमिना ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर और एलील इन हेटरोजाइगस स्टेट। कह रहा जब सिर्फ एक कैरेक्टर या एक एलील हमको हेटरोजाइगस स्टेट में नजर आए तो हमारा वो डोमिनेंस है। प्रभाविता का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात समझो, अगर प्रभाविता का मतलब क्या है, प्रभाविता का सीधा मतलब है कि जो हेटरोजाइगस कंडीशन में एक लक्षण प्रदर्शित हो जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, ये हमारा कैपिटल टी है, ये तो हमको टॉल दिख ही रहा था, ठीक है, लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन एक ऐसी है, होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी हमको कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ यानी बौना दिख रहा है, ये भी हमारी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। बेसिकली जब आपने कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, अब दोनों के लक्षण इसमें होने चाहिए कैपिटल टी स्मॉल टी के, लेकिन इसमें जो डोमिनेंस होगा वही लक्षण आपको नजर आएगा। जैसे कैपिटल टी डोमिनेंस है यानी टालनेस डोमिनेंस है, तो टॉल ही आपको नजर आएगा प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा होता है जो हेटरोजाइगस कंडीशन में नजर आएगा, ठीक है। कैरेक्टर जो हेटरोजाइगस में नजर आए उसे हम डोमिनेंस कहते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इट इज फोर टाइप, चार प्रकार का डोमिनेंस हो सकता है। इन्होंने कहा को डोमिनेंस या नो डोमिनेंस, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा कंप्लीट डोमिनेंस और चौथा ओवर डोमिनेंस। अच्छा भाई साहब, ये क्या है, पहले तो मैं को डोमिनेंस की बात करूं। को डोमिनेंस बेसिकली इन्होंने कहा, इन सच कंडीशन बोथ एलील्स आर जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द हेटरोजाइगस कंडीशन लाइक ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ। को डोमिनेंस में भी एबीओ एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। एबी ब्लड ग्रुप पॉसेस बोथ एंटीजन ए एंड बी, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं एबी ब्लड ग्रुप में, ठीक है, बात समझो। कोडोमिनेंस का एक मैं अपना एग्जांपल देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने एक, आपके पास गाय है, दैट इज रेड सिंधी, लाल कलर की आपने गाय ली है, क्या लिया है, गाय हमारी है, ठीक है। मान लो ये हमारी गाय हो गई, अब गाय हमारी बहुत सुंदर बनी है, ठीक है, ये चार पैर इसके हो गए, ये हमारी गाय, ये किस कलर की है, रेड कलर की है, ठीक है, रेड कलर की है ये गाय। एक हमारा जो है बैल है, जो कि किस कलर का है, ये हमारा हो गया बैल, मान लो, ठीक है, ये हमारा बैल हो गया किस कलर का है, वाइट कलर का है, ठीक है। जब हमने इसका क्रॉस कराया तो इसमें लक्षण कैसे थे, बेसिकली ये हमारा कैपिटल आर था, ये वाइट भी हमारा कैपिटल डब्ल्यू था, कोई भी रेसेसिव है ही नहीं, यानी दोनों डोमिनेंस है, कैपिटल रेड भी डोमिनेंस, यहाँ पर वाइट भी डोमिनेंस। तो पहली जनरेशन में जो बच्चा बनेगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा कैसा, चितकबरा, कैसा बन जाएगा, चितकबरा बन जाएगा, यानी सफेद रंग का होगा लेकिन उस पर लाल धब्बे पाए जाएंगे। पिल्लों में आपको, कुत्तों में ये देखने को नजर आ जाता है, बच्चों में उनके, गाय भैंस में भी देखने को नजर आ जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर रेड भी डोमिनेंस है और व्हाइट भी डोमिनेंस है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, सह जो है प्रभाविता, को डोमिनेंस, क्या बोल रहे हैं, ये भी डोमिनेंस मतलब क्या हो गया, को डोमिनेंस हो गया, क्या हो गया, को डोमिनेंस। अच्छा, जब इस चितकबरे का हमने क्या कराया, जो हमारा एक कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना है, इसका जब हम क्या कराएंगे, F2 जनरेशन में क्रॉस कराएंगे, F2 जनरेशन में यानी इसकी सेल्फिंग करा देंगे, यानी मैंने कहा, मैंने कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू इसका क्रॉस कराया, तो F1 में हमारा जो बना कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना, ठीक है। ये हमारा रेड दिख रहा था, ये हमारा व्हाइट दिख रहा था, और ये हमारा दिखने लगा कैसा, रॉन यानी चितकबरा, ठीक है। अच्छा, इसकी हमने क्या कराई, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब समझते हो, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से। जब मैंने कैपिटल आर आर डब्ल्यू का क्रॉस आर डब्ल्यू से कराया, तो F1 में हमारा क्या बन जाएगा, देखो पहले पहले का हम क्रॉस करा ले तो हमारा क्या बना, कैपिटल आर बना। फिर फर्स्ट एंड सेकंड का ले ले तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बना। सेकंड और फर्स्ट का कर लेंगे यानी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू बनेगा, और थर्ड और फोर्थ का कर लेंगे यानी कैपिटल डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। बेसिकली आपने देखा, ये हमारा रेड दिखेगा आपको, ये हमारा व्हाइट दिखेगा आपको,
और ये बीच वाले दोनों का लक्षण कैसा नजर आएगा, दोनों दोनों हमको कैसे नजर आएंगे, बेसिकली ये हमारे चितकबरे यानी रॉन नजर आएंगे, चितकबरे नजर आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। यही हमारा क्या है, कोडोमिनेंस है। बेसिकली जब मेंडल का नियम क्या कहता था कि प्रभावी लक्षण जब होंगे तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक तो मान लो 1:1 वो भी बना रहे थे जब हम बात कर रहे हैं मेंडल की, इसीलिए मैं कहता हूँ ये मेंडल के अपवाद हैं। मेंडल के नियम की जब आप बात करते हो तो मेंडल के नियम में आप देखते थे क्या होता था, जो मैं F2 में जब जाता था तो आप देखते थे कि भाई साहब फिनोटिपिक रेशियो क्या बनता था, फिनोटिपिक रेशियो क्या बनता था, 3:1 बनता था। जीनोटिपिक रेशियो क्या बनता था, जीनोटिपिक रेशियो बनता था 1:2:1। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की, बट मैंने देखा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जब मैंने आपको दिया, कोडोमिनेंस में आपको क्या देखने को नजर आया कि कोडोमिनेंस में फिनोटाइप भी 1:1 है, जीनोटाइप भी 1:1 है। कोडोमिनेंस में 1:1 हमारा क्या है, फिनोटाइप भी है और जीनोटाइप भी है, दोनों ही क्या है 1:1 है। बेसिकली यहां पर 3:1 क्यों बन जाता था, क्योंकि ये पहले वाले तीन जो होते थे ये टॉल ही बनते थे, पहले वाले तीन टॉल ही बनते थे, सिर्फ एक बौना बनता था। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया, एक लाल बन रहा है तो एक सफेद, और बीच में दो हमारे क्या बन जा रहे हैं, चितकबरे बन जा रहे हैं, रॉन बन जा रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारा क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद आपके सामने हाजिर है कोडोमिनेंस के रूप में, ठीक है। इसके बाद में बात करूं, सेकेंड हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकेंड क्या है, पार्सियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा ये कैसे होता है, इसके लक्षण जरा दिखाएं। इसका भी रेशियो मैंने आपको क्या बताया है, 1:1 ही बताया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मान लो कंडीशन ऐसी है कि हमारा जो है, आपने एक व्हाइट कलर का जो है फ्लावर लिया, ठीक है, व्हाइट कलर का एक फ्लावर लिया आपने, ठीक है, आपने फूल लिया, किस कलर का, रेड कलर का एक फूल लिया, ठीक है, रेड कलर का एक फूल लिया, और आपने एक व्हाइट कलर का फूल लिया, क्या किया, व्हाइट कलर, स्मॉल आर, स्मॉल आर कर दूंगा मैं, स्मॉल आर जो है ये जो है रेसेसिव को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये व्हाइट है, ये डोमिनेंस है, रेड कलर का फूल है, ये रेसेसिव है, व्हाइट कलर का फूल है, ठीक है। बेसिकली आपको जब पहली कंडीशन होनी चाहिए थी, कैपिटल आर स्मॉल आर बनना चाहिए था, तो क्या नजर आना चाहिए था, ये दोनों के दोनों हमको नजर, मतलब ये दोनों हमको सारे फ्लावर कैसे नजर आने थे, चूंकि एक भी कैपिटल आर पाया जाएगा तो रेड नजर आना चाहिए था। लेकिन अब इनमें क्या सिस्टम था कि दो आर जब एक साथ थे तो ज्यादा पावरफुल थे, अब एक आर अकेला बचा है तो कम पावरफुल है, इसका मतलब ये हमको कैसा नजर आएगा, ये हमको हल्का लाल नजर आएगा यानी पिंक नजर आएगा, ठीक है, स्लाइटली मतलब स्लाइटली रेड नजर आएगा, पिंक नजर आएगा, ये हमको देखने को मिलेगा कहां पर, F1 जनरेशन में, F1 में हमको देखने को मिला पिंक कलर का फ्लावर। रेड कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर के बीच में जब क्रॉस करवा के देखा गया तो यहां पर जो है आपको नजर आया क्या, पिंक कलर का फ्लावर, यानी डोमिनेंस तो नजर आ रहा है, लाल डोमिनेंट तो कर रहा है लेकिन पूरे तरीके से डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस ही है। और इसका जब आपने F1 बनाएंगे तब भी वही कंडीशन आएगी, ठीक है, कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, यही बनता है लास्टली, ये हमारा तो रेड दिख जाएगा आपको, और ये दोनों हमको दिख जाएंगे पिंक, और ये हमारा दिख जाएगा व्हाइट। तो आप देखोगे यहां भी फिनोटिपिक रेशियो क्या बन जाएगा, हमेशा 1:1 ही बन जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या बन जाएगा, यहां भी 1:1 बन जाएगा। इसके बाद ये हो गया पार्शियल डोमिनेंस। क्या लिखा है, इन सच कंडीशन अ डोमिनेंस एलील डज नॉट सप्रेस कंप्लीटली, कह रहा डोमिनेंट जो है कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा रेसेसिव एलील को, जैसे क्रॉस बिटवीन द रेड फ्लावर वेराइटी ऑफ स्नैपड्रैगन, कहा इन्होंने कहा स्नैपड्रैगन की एक वेराइटी है जिसका साइंटिफिक नेम एंटीराइनम मेजस है, उसका क्रॉस हमने व्हाइट फ्लावर से करा दिया, ठीक है, तो पहली बार में पिंक फ्लावर नजर आए F1 जनरेशन में, और F2 में हमको क्या रेशियो नजर आ गया, 1:1 का रेशियो नजर आ गया, यानी एक लाल एक सफेद और दो बीच में पिंक नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो पार्शियल या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:1 आएगा। कोडोमिनेंस में मैंने कहा था दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट में मैंने कहा कि बीच का कोई रास्ता आ गया है, बीच का कोई जो है कलर नया पैदा हो गया है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। अच्छा कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, तो कंप्लीट डोमिनेंस आपको पता है, कंप्लीट डोमिनेंस यानी नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपको कंडीशन है, यानी ये यही जो है क्या है, मेंडल का नियम है, मेंडल का नियम यही है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 3:1 बनेगा जब आप F2 जनरेशन में जाओगे तो तीन लंबे पौधे नजर आएंगे, क्योंकि जो डोमिनेंसी होगी दो में वो भी हमारे कैसे लंबे ही नजर आएंगे, जहां हेटरोजाइगस वाले और एक बोना नजर आएगा तो 3:1 बन जाएगा, वो सिंपल है। ओवर डोमिनेंस क्या है, ये एक नया शब्द है, समझो जरा, हियर द इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टर इज ग्रेटर इन हेटरोजाइगस देन कंसर्न इन होमोजाइगोट्स, इन मेज
द हेट्रोजाइगोट इज मोर पिगमेंटेड देन आइदर होमोजाइगोट इन प्रेजेंट ऑफ सर्टेन आर एलील. कह रहा है मक्के में आप देखते हो कि मान लो मक्के में कंडीशन ऐसी है, अगर कैपिटल आर एक साथ है तो ये हल्का लाल है, लेकिन अगर एक आर है अकेला तो वो ज्यादा पावरफुल लाल, ज्यादा ग्रेट लाल हो जाता है. इसे हम लोग बोलते हैं ओवर डोमिनेंस. ठीक है, जब जैसा आपने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा था, दोनों थे तो पावरफुल थे, अकेला हुआ तो कमजोर हो गया. यहाँ ओवर डोमिनेंस में उल्टा है, ओवर डोमिनेंस में दोनों है तो हल्का कलर दे पा रहे हैं, लेकिन जब एक अकेला कैपिटल आर होगा तो वो हाईली जो है कलर प्रोवाइड कर पाएगा. ये हमारा ओवर डोमिनेंस का एग्जाम्पल है. ठीक है, अच्छा पेनिट्रेंस क्या होता है, इट रिफर्स टू द स्टैटिकल रेगुलरिटीज विद विच आर जीन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट व्हेन द प्रेजेंट इज द रिक्विसाइट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस स्टेट. इट मीन्स द पेनिट्रेंस इज एबिलिटी ऑफ अ जीन एक्सप्रेस्ड फिनोटिपिकली टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन टू बी एनी डिग्री. कह रहा है जीन की फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, पेनिट्रेंस कहलाती है. यानी बेसिकली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन प्रेजेंट हुआ, अब उसने कितना प्रभाव दिखाया है फिनोटाइप पर, यह उसका पेनिट्रेंस है. इट मे बी आइदर कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है. कंप्लीट पेनिट्रेंस जीन ऑलवेज प्रोड्यूस द फेयर इज द इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस जीन. फेल हो जाते हैं कभी कभी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में. जो कंप्लीट पेनिट्रेंस कर पाते हैं यानी अगली जनरेशन में पेनिट्रेट कर पाते हैं और फिनोटिपिकली एक्सप्रेस हो पाते हैं पूरे तरीके से. और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो जीन तो शरीर में है लेकिन वो बाहर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस हो जाता है. इन मैन टेंडेंसी ऑफ डेवलप डायबिटीज मिलीलीटस. डायबिटीज का एक प्रकार है डायबिटीज मिलीलीटस, कंट्रोल्ड बाई एक्सेस सुगर इन ब्लड. सुगर बढ़ जाती है तभी होता है डायबिटीज. इज जीन फॉर डायबिटीज सर्टेन जीन. इसके लिए एक पर्टिकुलर जीन होता है शरीर में. हाउ एवर नॉट एवरी वन कैरिंग एक्चुअल डेवलप द कंडीशन. इट मीन्स जीन हैव इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. देखो बेसिकली डायबिटीज मिलीटस एक हमारा क्या है, जीन है. एक पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से आपके शरीर में डायबिटीज होता है. डायबिटीज मिलीटस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूं. ये वो डायबिटीज है जब बचपन से आपके शरीर में शुगर को मैनेज नहीं किया जा रहा है, बचपन से आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन आपको बाहर से इंजेक्ट करने पड़ रहे हैं, दिस इज डायबिटीज मिलीटस. इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, आपका शरीर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. ठीक है, ये हर आदमी के शरीर में डायबिटीज मिलीटस का जीन पाया जा रहा है. ऐसा नहीं कि हमारे अंदर डायबिटीज, कहते क्या है डायबिटीज, ये तो आप लोग सुने ही होंगे कि यार शुगर तो सबके ही होती है लेकिन कोई मेंटेन करता है कोई नहीं मेंटेन करता है. बेसिकली आप सब में डायबिटीज मिलीटस वाला जीन पाया जा रहा है लेकिन सब में वो बाहर दिख नहीं रहा है. जब तक वो दिख नहीं रहा तब तक वो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है. लेकिन जैसे ही आपने अपना खान पान बिगाड़ा है, एक्सरसाइज नहीं किया है, व्यायाम नहीं किया है, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, सामने नजर आने लगेगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट पेनिट्रेंस के तौर पर आपके सामने नजर आ जाएगा. क्लियर, ये हमारा जो है पेनिट्रेंस का मतलब हो गया. अच्छा इसके बाद में बात करूं एक्सप्रेसिविटी. एक्सप्रेसिविटी का मतलब है इज द डिग्री, एक्सप्रेसिविटी इज द डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ पेनिट्रेंट जीन. कह रहा है जितने ज्यादा मात्रा में, जितनी ज्यादा मात्रा में कोई भी पेनिट्रेंट जीन जितनी ज्यादा मात्रा में बाहर दिख रहा है उसे हम उसकी एक्सप्रेसिविटी मानते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन मैन पॉलीडेक्टाइल यानी मोर देन फाइव फिंगर्स बी पेनिट्रेंट इन द लेफ्ट हैंड सिक्स फिंगर एंड नॉट इन द राइट हैंड फाइव फिंगर. द पेनिट्रेंस ऑफ जीन एंड एक्सप्रेसिविटी आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द एनवायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो. ठीक है, अच्छा बेसिकली इन्होंने क्या कहा, एक्सप्रेसिविटी में क्या कहा, इज द डिग्री ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस बाई अ पेनिट्रेंस मैनी जीन. कह रहे इन मैन पॉलीडेक्टाइली, पॉलीडेक्टाइली का मतलब पांच अंगुलियों से ज्यादा, ये बी पेनिट्रेंट इन द लेफ्ट हैंड फिंगर एंड नॉट इन राइट हैंड. ज्यादातर आप देखोगे लेफ्ट हैंड फिंगर में ही क्या होगा, छठी उंगली आपको नजर आ जाती है क्योंकि वहां पर जो है ये ज्यादा ओवर एक्सप्रेस कर जा रहा है और राइट हैंड फिंगर में उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. ठीक है, राइट हैंड फिंगर में पांच ही उंगलियां नजर आ रही जबकि लेफ्ट में छह हो गई. ये क्या नजर, ये क्यों नजर आ रहा है, एक्सप्रेसिविटी के कारण, हाईली एक्सप्रेसिव हो गया वहां पर. ठीक है, और बाकी सारी चीजें तो इन्वायरमेंट पर डिपेंड ही करती है. प्लियोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेसिविटी नहीं इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेंस बस जानना जरूरी है. पिलियोट्रॉपी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मैंने इसके विषय में बताया है. बेसिकली पिलियोट्रॉपी के लिए एक अलग चैप्टर है लेकिन हम फिर भी यहाँ पर तीन चीजें आपको बताना चाहेंगे पिलियोट्रॉपी के विषय में. पिलियोट्रॉपी अगर जाना है तो तीन एक साथ में. अगर एक सिंगल जीन, ये हमारा पर्टिकुलर एक क्या है, एक जीन है, ये किसी एक कैरेक्टर को पैदा करता हो, एक कैरेक्टर पैदा कर रहा है, एक जीन अगर एक कैरेक्टर को पैदा कर रहा है, वन जीन वन कैरेक्टर. ठीक है, एक जीन सिर्फ एक कैरेक्टर को पैदा कर रहा है
तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोजेनिक, चूंकि जीन कितना है, एक है, इसे हम क्या कहेंगे, मोनोजेनिक कहेंगे, मोनोजेनिक कंडीशन है ये। अच्छा, एक कैरेक्टर कैसा कहलाएगा? मान लो आपके माँ बाप ने आपको इकलौते पैदा किया, ठीक है, अब उनके सारे गुण आपके अंदर नजर आएंगे, ठीक है, उनके सारे गुण आपके अंदर नजर आएंगे, आपकी शिक्षा अच्छी वो करवाएंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होगी, इस कारण से आपकी ग्रोथ जो होगी वो क्वांटिटी में नहीं हुई है, उन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं किए, उन्होंने क्या किया, क्वालिटी में आपको पढ़ाया लिखाया, सक्सेसफुल इंसान बनाया। यहां पर मतलब आपका कैरेक्टर कैसा हो गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जो डेवलप हुआ है, दिस इज क्वालिटेटिव कैरेक्टर। सेकेंड, एक जीन है, पर्टिकुलर एक जीन है, एक जीन ने मल्टीपल कैरेक्टर्स पैदा कर दिए, मल्टीपल कैरेक्टर्स पैदा कर दिए, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स पैदा कर दिए, ये कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, एक जीन बहुत पावरफुल है, उसने बहुत सारे कैरेक्टर्स पैदा कर दिए, ये कंडीशन ही हमारी कहलाती है पिलियोट्रॉपी, जिसके विषय में अभी आप समझ रहे हो। क्या कहलाती है? पिलियोट्रॉपी। इसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ऐसा आंखों के विषय में जो है बहुत बार देखने को मिलता है, वन कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है, वन कैरेक्टर डेवलप करते हैं, कितना, जीन वन है ये, जीन टू है, जीन थ्री, बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर पैदा कर रहे हैं, ये कंडीशन कैसी हो गई, मोनोजेनिक। क्या हो गई? मोनोजेनिक। अब क्वालिटी तो अच्छी बन नहीं पाई, लेकिन ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया? क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो गया। जब बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर पैदा करें, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर पैदा करे, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आपके शरीर में एक ऐसा जीन पाया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी आंखों का कलर है, आपके बालों का कलर है, ठीक है, और जो है आपका जो है स्किन टोन है, ये सारी चीजें एक अकेला जीन डिफाइन कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पिलियोट्रॉपी। यानी एक जीन जब मल्टीपल कैरेक्टर्स को डिफाइन करने लगे, इन्होंने क्या कहा, अ सिंगल जीन और एलील ऑफन इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटिपिक ट्रेट, कह रहा है जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर्स पर जो है प्रभाव डाल रहा है, सच मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन इज नोन एज पिलियोट्रॉपिज्म, द जीन ऑफ डिजीज, फाइनल क्या है, फेनिलकेटोनुरिया इज मैन इज पिलियोट्रॉपिक इफेक्ट, जाने दो, एग्जांपल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये हमारा बेसिकली आपको टर्म लेकिन पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके विषय में आपको पता रहे कि वन जीन, बस इतना आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा वन जीन वन कैरेक्टर मोनोजेनिक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर ये हो गया पिलियोट्रॉपी, मल्टीपल जीन वन कैरेक्टर हो गया मोनोजेनिक या क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्लियर, इतना पता होना आपके लिए जरूरी है। आते हैं लिथैलिटी पे। लिथैलिटी का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो क्या है, खतरा, या ऐसे कह लो डेथ, ठीक है, डेथ या खतरा से मतलब होता है लीथल का, कोई कह रहे हैं आपके लिए बहुत लीथल है, मतलब आपके लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, कैसे होता है जरा देखो, बात करें हम इसकी। बेसिकली मैंने जब आपको यहां बताया है, देखो मैंने यहां जब आपको बताया है तो मैंने क्या बताया था, मैंने अभी तक जो एक्सप्लेन किया है आपको उसमें से कौन कौन सा कर दिया, मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर दिया, को डोमिनेंस कर दिया, अभी मैं बात कर रहा हूँ लीथल जीन की। मल्टीपल एलील वाले में आपको जो मैंने बताया है पिलियोट्रॉपी, ये सब मल्टीपल एलील में ही आ जाएंगे आपके, उसके विषय में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लीथल जीन के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद डोमिनेंट रिसेसिव हमारा ये सिंपल है, जो मेंडल वाला नियम है, तो इसमें कोई अंतर है नहीं, ये भी आपको पता है। बेसिकली अब हमको इसमें जो बात करना है वो किसकी बात करनी, लिथैलिटी की। पर्टिकुलर अगर आप देखो लीथल क्या होते हैं, जरा मैं बात करूं, ऐसी कंडीशन लीथल इज सच कंडीशन वेयर द डेथ ऑफ अ सर्टेन जीनोटाइप अकर्स पर प्रीमेच्योरली, पहले डेथ कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, आपने जो है इन्होंने बेसिकली जो है वो पूरा कंप्लीट नजरा मतलब दिखाया नहीं है, तो इस वजह से आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं बताता हूँ यहाँ पर इनके चार्ट से समझने का प्रयास आप मत करिएगा, नहीं तो आप जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको अपने तरीके समझाता हूँ। देखो बेसिकली मान लो आपने दो पेरेंट्स लिए हैं, पेरेंट्स लिए हैं, लेकिन वो मतलब दोनों होमोजाइगस पेरेंट नहीं है। बेसिकली एक हमारा क्या है, ये एक हमारा कैपिटल वाई है, ठीक है, ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, येलो ही डोमिनेंस है, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। बेसिकली कलर की बात छोड़ो, इसमें हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, रेशियो की बात बाद में करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको नजर आ रहा है, यह फोन कंडीशन में क्या बनेगा, यह फोन कंडीशन में आइदर
कैपिटल वाई बन सकता है, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके अलावा दोनों करेक्टर के अलावा कुछ नहीं बन सकता। यानी जब पहले का पहले से आप कराओगे कैपिटल वाई, पहले का दूसरे से कराओगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे का पहले से कराओगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे का स्मॉल वाई भी बन सकता है यहाँ पर। ये दोनों कैपिटल है ना, ये दोनों कैपिटल है, ये दोनों कैपिटल है, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है। ऐसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा या तो कैपिटल वाई बनेगा या तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, इसके अलावा तीसरा कैरेक्टर आपके पास एफ1 में जनरेट नहीं हो सकता है। ये एफ1 की कंडीशन है। अब एफ1 में आपके पास ये नजर आया और ये नजर आया, ठीक है। अब आप इसका क्या करवा दो, बेसिकली इसका करवा दो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो एफ1 में बना है, इसका आपने क्या करा दिया, सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग का मतलब इसी का इसी से क्रॉस, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई स्मॉल वाई से आपने सेल्फिंग करा दी। पहली जनरेशन में क्या बनेगा, कैपिटल वाई बनेगा, F2 में स्मॉल वाई कैपिटल वाई बनेगा और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। बेसिकली मेंडल के नियम के अनुसार जो पेरेंट आप लेके चले थे F2 में वही रिटर्न आने चाहिए थे, लेकिन आप पेरेंट क्या लेके चले थे जरा देखो, पेरेंट आप लेके चले थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ एक ये स्मॉल वाई पैदा हो गया जबकि आपके पास स्मॉल का कोई भी कैरेक्टर पहले से था ही नहीं, ना आप पेरेंट में लेके चले हो ना एफ1 में था, एफ2 में अपने आप ही आ गया है, तो इस कारण से इसकी हो जाएगी डेथ। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो रेशियो बनेगा 1:2 का। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, चीजें बहुत घुमावदार है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए नए पेज पे, ध्यान से समझना लिथियलिटी कैसे काम करती है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लीथल जीन की, कैसे काम करा ध्यान देना जरा। मैंने कहा आप एक पेरेंट लेके चले हो जिनका जीन क्या है, कैपिटल वाई है पहले में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है दूसरा पेरेंट है ये, ठीक है। अब बेसिकली आपने जो है क्रॉस कराया एफ1 में, ठीक है। तो जब पहले का पहले से क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल वाई मिलता है, ठीक है। और सेकेंड दो ही करेक्टर बन ही सकते हैं, मतलब आप जिसका भी क्रॉस कराओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। दो करेक्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं, यहाँ कोई स्मॉल वाई है नहीं, यानी स्मॉल वाई अकेला है नहीं, स्मॉल वाई कभी स्मॉल वाई के साथ नहीं हो सकता है। अब बेसिकली ये हमारा हो गया F1 जनरेशन, ये क्या हो गया F1 जनरेशन, आपको ये नजर आया, ठीक है। अब F2 में आपने इसकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी, क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने में क्या होगा, बेसिकली कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस आपने करवा दिया स्मॉल वाई से, कैपिटल वाई बना पहले, पहले क्रॉस दूसरा, पहले क्रॉस यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना दूसरा, और पहले का क्लास यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना, और तीसरा, और तीसरे का क्लास यानी स्मॉल वाई बना, ठीक है। अब ये आपके पास पहले से पेरेंट में नहीं था इसीलिए डेथ कर गया, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:2 का रेशियो बन जाएगा। ऐसी कंडीशन जहां पर रेसेसिव डेथ कर रहा है इसे हम बोलते हैं रेसेसिव लिथैलिटी, क्या बोलते हैं, रेसेसिव लिथैलिटी बोलेंगे। सेम कंडीशन हम रिवर्स करके भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप एक कैरेक्टर लेके चले हो जहां पर आपने लिया है कैपिटल वाई स्मॉल वाई पेरेंट के तौर पे और स्मॉल वाई पेरेंट के तौर पे, ठीक है। पहली जनरेशन में आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। आपके पास कोई भी कैपिटल वाई का पेरेंट नहीं है, आपने इसकी सेल्फिंग कराई, सेम कंडीशन आपको प्राप्त होगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई यही प्राप्त होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां आपके पास ये पेरेंट थे आपके पास ये वाला जो होगा वो डेथ कर जाएगा और रेशियो बन जाएगा 2:1 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। 2:1 का रेशियो बन जाएगा ऐसी कंडीशन में और इसे हम लोग जब आगे वाला मर जाएगा तो बोलते हैं डोमिनेंट लिथेलिटी। क्लियर है, समझ में आया। तो मैंने कहा 2:1 या 1:2 दोनों बन सकते हैं, 1:2, ठीक है, 2:1 या 1:2 दोनों बन सकते हैं। जब 1:2 बन रहा है इसका मतलब रेसिसिव लिथैलिटी, पीछे वाला मर गया। जब 2:1 बन रहा है इसका मतलब डोमिनेंट लिथैलिटी, आगे वाला मर गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ये हमारा जो है पूरा खत्म हो गया क्या, बेसिकली ये आपका कंप्लीट हुआ जो हमने बताया था एलीलिक जीन इंट्रैक्शन, ठीक है। इसे आप डोमिनेंस में भी पढ़ सकते हो, एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में भी पढ़ सकते हो, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में, मोनो क्रॉस हाइब्रिड में, आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप इसको समझते हो। 4 का हम लोग जोड़ा इसमें लेके चल रहे थे, तो मैंने एक बार फिर आपको रिवीजन करवाने के लिए बता देता हूं, जरा ध्यान से देख लें आप। मैंने कहा है एलिलिक में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पहला इनको मंकी ले दो यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, याद आपको यही करना है, बाकी मैंने समझाने के लिए बताया है। सेकंड इज कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है,
थर्ड इज मल्टीपल एलील है, मल्टीपल एलील है। फोर्थ इज लीथल जीन है। फिफ्थ इज डोमिनेंस रेसिसिव है, डोमिनेंस है, नॉर्मल डोमिनेंस जो हमारा होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने रेशियो बताया था 1:2:1 होगा। यहां मैंने एग्जाम्पल जो दिया था वो क्या दिया था, गाय वाला दिया था, ठीक है। कैसी बन जाती है, चितकबरी बन जाती है, दोनों डोमिनेंट होते हैं। को डोमिनेंस में मैंने 1:1 ही बताया था। एग्जाम्पल मैंने यहां पर जो दिया था फ्लावर वाला दिया था, फ्लावर वाला दिया था। कौन सा फ्लावर बन जाता था, पिंक फ्लावर बन जाता था, बीच का रास्ता आ जाता था को डोमिनेंस में। मल्टीपल एलील में मैंने एग्जाम्पल दिया एबीओ ब्लड ग्रुप का, एबीओ ब्लड ग्रुप का मैंने एग्जाम्पल दिया मल्टीपल एलील में। मल्टीपल एलील है जब दो से ज्यादा एलील है। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें ए बी और ओ ज्यादा एलील है ना, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल हो गया। लीथल की अगर मैं बात करूं, लीथल इज क्या है, लीथल हमारा जो है क्या होता है, बेसिकली मैंने कहा दो प्रकार का हो सकता है। एक मैंने कहा हो सकता है डोमिनेंट लेथेलिटी, क्या हो सकता है डोमिनेंट लेथेलिटी, जिसमें डोमिनेंट डेथ कर जाएगा तो रेशियो बन जाएगा 1, डेथ कर गया तो रेशियो बन गया 2:1 का। एक होता है रेसिसिव लेथेलिटी, रेसिसिव लेथेलिटी में रेशियो बन जाएगा 1:2 का, और डोमिनेंस का 3:1 जो सिंपल होता है वो तो है ही है, उसमें कोई अंतर है नहीं। ये बेसिकली आपको इतना रटना था, इसके लिए मैंने आपको इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन पे। किस पे, नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन, बेसिकली नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन पे आते हैं। नॉन एलीलिक जीन इंटरेक्शन के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था पिछली क्लास में, दैट इज आईसीएससी बोर्ड के दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत कलाकार हैं। आईसीएससी बोर्ड के डीपीएस यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे बहुत कलाकार बच्चे हैं। आई फॉर मैंने कहा था इनहिबिटरी होगा, क्या होगा इनहिबिटरी। सी फॉर होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। एस फॉर होगा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ई फॉर होगा इपस्टैटिस, इपस्टैटिस। डी फॉर होगा डुप्लीकेट, यही आया था डुप्लीकेट शायद। और डी पी पी फॉर होगा पॉलीमॉर्फिक। सी फॉर एस फॉर होगा सिंपल, सिंपल जीन इंटरेक्शन। यहां पर आपको जो नजर आएगा इनहिबिटरी 13:3, रेशियो ही आपसे पूछा जाता है बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट्री 9:7, सप्लीमेंट्री 9:3:4, इपोस्टैटिस 12:3:1, डुप्लीकेट 15:1, पॉलीमॉर्फिक 9:6:1, और सिंपल 9:3:3:1 जो हमारा सिंपल मेंडल वाला है वो होता ही है। बेसिकली आप हमेशा देखोगे इनका जोड़ क्या आएगा, हमेशा 16 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था बीएओ में, जो आप लोग नहीं कर पाए होगे बहुत सारे बच्चे बीओ में, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे पूछ लेता है नंबर ऑफ गैमीट या नंबर ऑफ जीनोटाइप, पूछ लेता है नंबर ऑफ गैमीट कितने बनेंगे या पूछ लेता है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आ जाता है पेपर में, और आया था बीओ में जैसे। तो यहां पर सिम बहुत आसान होता है, इसके लिए एक फार्मूला है, आप हमेशा ध्यान रखना 2 की पावर n। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, जहां पर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, ठीक है, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस एन होता है बेसिकली। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब इतने ही गैमिट आपको बनेंगे, जरा मैं बात करता हूं, जरा आप देखो कैसे 2 की पावर n। एक एग्जांपल में लेके चलता हूं, बेसिकली आपने देखा है कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का आपने क्रॉस कराया, ठीक है। आपने देखा यहां पर कोई हेटरोजाइगस है, कोई भी हेटरोजाइगस नहीं है, तो कह रहे हैं इससे जो पहली पीढ़ी बनेगी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी जीनोटाइप कितना बना है, सिर्फ एक। अच्छा ये बताओ, मैंने कहा जब इसका आपने क्रॉस कराया है यहां पर कोई भी हेटरोजाइगस नहीं है, तो मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ हेटरोजाइगस, 2 की पावर नंबर ऑफ हेटरोजाइगस कितना होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 बराबर 1। अब ये इतना गणित में मत जाना, किसी की पावर अगर 0 है इसका मतलब उसका आंसर है 1 होगा, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सब आपको पता है। यानी यहां पर कोई भी हेटरोजाइगस नहीं है तो गैमिट कितने बनेंगे, सिर्फ एक प्रकार का गैमिट बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आपने किससे कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी से,
कितने गैमिट हेटरोजाइगस हैं, एक गैमिट ये हो गया, एक गैमिट ये हेटरोजाइगस, दो गए हेटरोजाइगस हो गए, दो गए हेटरोजाइगस हो गए यानी दो की पावर दो, कितने बनेंगे, चार गैमिट बनेंगे। आप बनाते हो जब कितने प्रकार के गैमिट बनते हैं, कैपिटल टी बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, स्मॉल टी कैपिटल टी बनता है, और स्मॉल टी बनता है, यही बनता है ना, स्मॉल टी बनता है। 1:1 का रेशियो बनाते हो, कितने गैमिट होते हैं, एक दो एक यानी चार। ऐसे ही जब हम हेटरोजाइगस की बात करेंगे डाइहाइब्रिड क्लास में, हमेशा देखो ये हमेशा किस पे, नॉन ऑनली किस पे होता है, डाइहाइब्रिड पे होता है, किस पे होता है, डाइहाइब्रिड, यानी दो लक्षण लेके काम करेंगे हम लोग। तो एक चीज ध्यान देना, हमेशा टू की पावर यानी हाँ आएगा, ठीक है। जैसे मान लो दो कैरेक्टर लेके चलना है डाइहाइब्रिड क्लास में, यानी मान लो आपने एक कैरेक्टर लिया है किसका, एक कैरेक्टर आपने लिया है येलो का और दूसरा कैरेक्टर आपने ले लिया है राउंड का, ठीक है, राउंड और येलो का, ठीक है, राउंड और येलो है ये हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गया। पहली बार में दोनों होमोजाइगस हैं, एक भी कैरेक्टर नहीं है, दो की पावर जीरो बराबर एक, एक ही तरीका का कैरेक्टर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे कैरेक्टर इसी तरीके बनेंगे, यानी गैमिट कितना बना, एक। अब इसका आपने क्या कराया, इसका कराया सेल्फिंग, जब यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस में जब आप सेल्फिंग कराते हो, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्लास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब यहां पर आप देखो कितने जो है हेटरोजाइगस मिल रहे हैं, एक हेटरोजाइगस, दो हेटरोजाइगस, तीन हेटरोजाइगस, चार हेटरोजाइगस, इनका जब आपने क्रॉस कराया, चार हेटरोजाइगस है यानी दो की पावर क्या हो गया, चार, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16, हमेशा कितने कैरेक्टर बनेंगे, 16 जो है गैमिट बनेंगे, 16 ही गैमिट बनेंगे, इसीलिए आप रेशियो क्या पढ़ते हो, 9:3:3:1 पढ़ते हो, कितना हो, 9:3:12:3:15:1:16 तरीके करेक्टर। इसीलिए यहां भी देखोगे सबका योग क्या आएगा, 16 आएगा, 13:3:16, 9:7:16, ठीक है, 9:3:4, 9:3:4:16, 12:3:1:16, 15:1:16, 9:6:15:1:16, 9:3:3:1:16। आप देखोगे हमेशा डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो जोड़ आता है कितना आता है, 16 आता है, क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल गया। अब आपके लिए कमेंट सेशन के लिए क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं, आपको बताना है इसमें बेसिकली कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डी कैपिटल डी, इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ गैमीट बनेंगे, नंबर ऑफ गैमीट कितने बनेंगे। क्रॉस की बात करोगे तो दोनों तरफ के काउंट किए जाते हैं, ध्यान देना हमेशा, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ गैमीट कितने बनेंगे। फार्मूला आपको पता है नंबर ऑफ गैमीट के लिए, 2 की पावर n, आपको पता है नंबर ऑफ हेटरोजाइगस। अब भी अगर आप नहीं लगा पाओगे तो आपके लिए समस्या है, क्वेश्चंस पेपर में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, और सीनियर टीए में देखने को मिलेगा। तो ये मैंने सारे आपको बता दिए हैं, आप देख लेना इसको, ठीक है, लक्षण वही दिए हैं, 12:3:1 है, 13:3 है, ठीक है, ये आपका जो है चैप्टर पहला हुआ खत्म। अब हम लोग लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, शुभ रात्रि आप सभी को, धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए।